देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एक इंट्रोडक्शन ले लिया आपने सिंपल, अब आप एक्टिंग पे ध्यान देते हैं, एक्टिंग एक्शन पे ध्यान देते हैं। देखिए आप बनने के आए हैं एक्टर, एक्टर बने हैं। अब एक्टर के अंदर ACTOR, इसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं, है ना। आ जाइए आप भी ढूंढ रहे हैं। A for action, C for concentration, T for timing, O for observation, R for reaction। इतने चीजें अगर एक बंदे में या बंदी में हैं, वो एक्टर है वरना वो टाइम पास कर रहा है। एक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, टाइमिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रिएक्शन, दिस इज द फाइव फैक्टर फॉर अ गुड एक्टर। एक्शन, एक्शन मतलब ये नहीं कि मारधाड़ी, एवरी स्टेप जो बॉडी लैंग्वेज है आपका मूव कर रहे हैं। इफ यू आर अ कॉप तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉप वाली होगी। अब आप बदमाश पुलिस वाले हैं, घूस खाने वाले, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। एक ईमानदार पुलिस वाला है, शूल वाला, मनोज वाजपेयी, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, वो भी एक्शन में आता है ना। एक गरीब लड़की है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। एक एरोगेंट लड़की है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। लड़की लड़की ना बॉडी लैंग्वेजेज है, ये एक्शन है ना। एक गुस्से में मार रही है, एक अपने डिफेंस में मार रही है, एक पुलिस वाला अटैक कर रहा है, एक हमला कर रहा है पुलिस वाले पर, ये सब एक्शन में आता है। फिर आया कॉन्सेंट्रेशन, जो कैरेक्टर आपको मिलता है ना उसके साथ इंसाफ करना, निभाना, है ना। एक्टर कैसे बड़ा होता है, अपनी कॉन्सेंट्रेशन से। मतलब आप ऐसी शूटिंग होती होगी, आपको सबने बताया होगा, आज हुई शूट, उसके बाद आपका सीन 3 दिन के बाद है या 8 दिन के बाद है, और बड़े एक्टर होंगे तो 3 महीने के बाद है। तो जो आपने आज का सीक्वेंस किया है बॉडी लैंग्वेज, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा 3 महीने बाद में, तभी मैच होगा डेट शॉप में। वरना आप तो अभी तो कुछ कर रहे थे सब, अब आपने कुछ और कर दिया, है ना। सिंपल, अरशद वारसी ने मुन्ना भाई MBBS पार्ट 1 किया और हिट हो गया सर्किट के नाम से, है ना। सर्किट। कुछ दिन के बाद, एक 2-3 साल के गैप के बाद, राजकुमार हिरानी ने कहा पार्ट 2 बनाएंगे, लगे रहो मुन्ना भाई, और आपकी जरूरत अरशद भाई। अरशद भाई ने कहा यार मैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज भूल गया, है ना, कैसे करूँगा। उन्होंने खुद अपनी फिल्म देखी और अपना बॉडी लैंग्वेज, अच्छा मैं ऐसे चलता हूँ, भाई बोलेगा जो बोलेगा करेगा, ना कैसे चलता हूँ क्या करता हूँ, उसको कॉपी किया, अपने आप को ही इमिटेट किया और परफॉर्म किया। ये कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। आप प्रोफेसर हैं और आपने आज प्रोफेसर का रोल किया, 3 महीने के बाद फिर कंटिन्यूटी वाला प्रोफेसर है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, मैचिंग नहीं होगा एडिटिंग टेबल। थर्ड है टाइमिंग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन कॉमेडी सीक्वेंस एंड एक्शन। अगर मैंने आपको एक जोक क्रैक किया और जोक मैंने सुनाया बहुत ही बेकार सा, भले उसमें फन था, आपको हंसी नहीं आई, आपने कहा सर हंस लूँ क्या, हो गया, तो मजाक हुआ क्योंकि मैंने वो टाइमिंग नहीं की। गोविंदा एक्सपर्ट है टाइमिंग को लेकर, इसीलिए वो स्टार है। क्या टाइमिंग है यार, कॉमेडी सब करते हैं ना। राजपाल यादव, मेरे अच्छे राजपाल यादव की टाइमिंग देखिए कॉमेडी के अंदर, ऐसे तो हर फिल्म में कॉमेडी होती है, आपको हंसी नहीं आती, आप सोचते हैं क्या हो रहा है, मतलब कुछ कोल्ड ड्रिंक पिए, पॉपकॉर्न खाएं, फिल्म खत्म हो गई, है ना। क्योंकि जहां आप फोकस ही नहीं है उस कैरेक्टर को लेकर, जहां आप फोकस हो गए, अरे मंदिर की तरह घंटे बजा रहा है, कोई भी आ रहा है, देखो राजपाल यादव कॉमेडी। परेश रावल की कॉमेडी देखिए, टाइमिंग देखिए गेम का, ये है टाइमिंग का खेल। फिर आइए ऑब्जर्वेशन। दोस्तों मैं बिलीव करता हूँ, आप भी शायद बिलीव करते हो, जिंदगी में एक ही आदमी को लाइफ मिलती है ना। अब फॉर एग्जांपल आप एक जिंदगी जी रहे हैं जिसमें माँ भी है, बाप भी हैं, भाई है, बहन है, सबके अलग अलग रिश्ते हैं, सबको इंसाफ करना है रिश्तों के साथ। लेकिन अभी आपको हमने गैंगस्टर का रोल दिया, लेकिन गैंगस्टर आप है ही नहीं, है ना, आप तो एक साधारण आदमी है, लेकिन आपने कहा ये ऑब्जर्व करूँगा। तो आप किसी गैंगस्टर की बायोग्राफी पढ़ी, उनकी चीज़ें देखी, या अगर कोई जिंदा कहे तो जाकर उन्होंने उसे बात की, भाई कैसे बनो, खा लिया यार उनकी बॉडी लैंग्वेज करके आप गैंगस्टर बन गए और भीखू मात्र बन गए, बम्बई का डॉन का
उनके किसी खानदान में कोई विलन नहीं है भाई भाई आप वाई देखिए कितना कॉन्ट्रोवर्सी। एक आदमी सत्या करता है जो गैंगस्टर है मुंबई का डॉन कॉन भिको मात्रे, और वही करता है शूल ईमानदार पुलिस ऑफिसर है ना, जो पार्लियामेंट में गंद लगाता है सारा नाटक होता है पार्लियामेंट में, ये एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर। दोनों कैरेक्टर मनोज भाई ने प्ले किया, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना। अब ये एक लड़की है भले भी मिडिल क्लास की लड़की है, इसको रोल मिला बिजनेस टाइकून 12-12 BMW आपके, आप पानी कम चाय समझते हो सामने वाले, आप कहेंगे सर मैंने तो ऐसे कभी नहीं जिंदगी में किया। यू टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व दैट गर्ल टाइप ऑफ गर्ल्स जो पब में जिंदगी काट दिया, इसको करते करते लाइफ काट दी। अरे यार सही करी यार, उतरती कैसे एटीट्यूड में आती है, कैसे देखती है लोगों को, है ना। ओह वाह पुअर पीपल, क्या है मैं